हेलो फ्रेंड, मैं हूँ प्रीति और स्वागत है आपका प्रीति किचन में। आज हम ग्रेवी वाली वेज मंचूरियन बनाएंगे जो कि फ्राई राइस और चाउमीन के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। वेज मंचूरियन बनाने के लिए मैंने ये सब्जी पहले से काट के रखा है, बंद गोभी, एक घिसा हुआ गाजर और एक छोटा साइज का शिमला मिर्च को मैंने पहले से काट के रख लिया है। अब हम सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, उसमें हम ये बंद गोभी को इसमें डाल के हम इसमें थोड़ा सा नमक मिला के रख देंगे, क्योंकि नमक मिलाने के बाद इसमें से मॉइस्चर रिलीज होता है। ये देखिए, मैंने इसमें नमक मिला के और मैं इसे अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए रख दूँगी। 10 मिनट के बाद ये देखिए बंद गोभी एकदम सॉफ्ट हो गया है। अब इस सब्जी में से हम पानी को हाथों से निचोड़ के इस निकाल देंगे, उससे कि क्या होगा कि आपके मंचूरियन बॉल सही बनेंगे। आप जब भी कोफ्ता या मंचूरियन बनाए तो उसमें से सब्जी में 5 मिनट के लिए नमक डाल के छोड़ दें, उससे कि आपका मंचूरियन और कोफ्ते सही बनेंगे, नहीं तो बाद में पानी रिलीज होने लगता है। तो उसमें मैदा या कॉर्नफ्लोर हमें ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा, तो इसीलिए आप इस प्रोसेस को ज़रूर करें। ये देखिए, मैंने सारे बंद गोभी से उसका पानी निकाल लिया है। अब उसी बाउल में हम इस बंद गोभी को वापस से डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे घिसा हुआ गाजर। मैंने पूरा गाजर यूज नहीं किया है, आधा हम इसमें से बचा के रखेंगे, हम बाद में यूज़ करेंगे उसे। कटा हुआ शिमला मिर्च भी डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर और सेम क्वांटिटी में हम मैदा ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच नमक, नमक मैंने पहले भी डाला है, और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रखें, पानी बिल्कुल इसमें इस्तेमाल नहीं करना है, और हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसमें ऑलरेडी मॉइस्चर है, इसलिए अच्छे से बिना पानी के मिक्स हो जाता है। अब हम थोड़ा थोड़ा हाथों में लेके हाथ में पहले तेल लगा लेंगे और इसे छोटा छोटा बॉल्स बना लेंगे। आपको छोटे बड़े जिस साइज का चाहिए आप उस साइज का बॉल्स बना लें। ये देखिए, मैंने सारे बॉल्स बना लिए हैं। तेल मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। ध्यान रखिए, तेल मीडियम गर्म होना चाहिए। अब उसमें हम एक एक करके सारे बॉल्स को डाल देंगे। और ये देखिए, आप इस तरह से हल्के हाथों से इसे घुमाते हुए चारों तरफ से हम इसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सेम इसी प्रोसेस से हम बाकी की बॉल्स को भी फ्राई कर लेते हैं। सारे बॉल्स फ्राई हो गए हैं। ये मैंने कुछ सब्जियां लिया है, बंद गोभी, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, प्याज, शिमला मिर्च, इन सबको मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब उसी कढ़ाई में हम 2 चम्मच तेल डाल देंगे। उसमें हम लहसुन, अदरक, हरी मिर्च को एक साथ डाल के हम थोड़ा सा भून लेंगे। इतना ही भूनना है कि इसका कच्चापन निकल जाए। उसके बाद हम प्याज, शिमला मिर्च और बंद गोभी को एक साथ ही डाल देंगे और डाल के हम आधे मिनट के लिए इसे भून लेंगे। उसके बाद हमने जो गाजर बचा के रखा था उसे भी इसमें डाल के हम थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक बड़े चम्मच ग्रीन चिली सॉस, 1 बड़े चम्मच रेड चिली सॉस, 1 बड़े चम्मच सोया सॉस, 1 छोटे चम्मच हम डाल देंगे विनेगर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच नमक, और इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैंने ये 2 चम्मच अरारोट पाउडर को घोल के रख लिया था, उसे हम इसमें डाल देंगे और 1 कटोरी पानी डाल देंगे। अगर आपको ग्रेवी वाली चाहिए तो आप पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड कीजिए, अगर सूखा चाहिए तो पानी कम ऐड कीजिए, और डाल के इसे हम थोड़ा सा पकने देंगे। उसके बाद हम मंचूरियन बॉल को डाल देंगे इसमें और डाल के मिक्स कर देंगे। गर्मा गर्म मंचूरियन बन के तैयार हो गया है। इसे अब हम एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और
अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।